हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को धनतेरस 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज हम बात करेंगे साल 2024 में धनतेरस कब है, प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और साथ ही जानेंगे इस दिन खरीदारी के विशेष मुहूर्त क्या रहेंगे। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों धनतेरस का त्योहार साल के सबसे बड़े त्योहार दिवाली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग धन की देवी माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर पूजन करते हैं। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन खरीदारी के विशेष मुहूर्तों में सोना, चांदी, पीतल या अन्य धातु से बने बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं 2024 में धनतेरस कब है, इस दिन खरीदारी के विशेष मुहूर्त क्या रहेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं धनतेरस कब है 2024 में। दोस्तों धनतेरस 2024 में 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अक्टूबर प्रातः काल 10:31 पर। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 30 अक्टूबर की दोपहर 1:15 पर। दोस्तों धनतेरस पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:31 से रात 8:13 और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:38 से रात 8:13 तक। दोस्तों वृषभ काल मुहूर्त रहेगा शाम 6:31 से रात 8:27। अब जान लेते हैं धनतेरस खरीदारी के विशेष मुहूर्त क्या रहेंगे। दोस्तों हस्त नक्षत्र 29 अक्टूबर की शाम 6:34 से 30 अक्टूबर की रात 9:43 तक रहेगा। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। इस नक्षत्र में खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक। दोस्तों इस मुहूर्त में खरीदारी करना लाभकारी होता है। अब जान लेते हैं धनतेरस पूजन विधि के बारे में। दोस्तों धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में देवताओं के वैद्य धन्वंतरी जी, देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और धन के देवता कुबेर की पूजा करनी चाहिए। धन्वंतरी जी को भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। दोस्तों भगवान धन्वंतरी जी की प्रतिमा को धूप दीप दिखाकर पुष्प आदि अर्पित करें। धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना जीवन में शुभता बढ़ाता है। आज के दिन धन्वंतरी जी की पूजा करने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं धनतेरस खरीदारी के महत्व के बारे में। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस के दिन आरोग्य के देवता धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। दोस्तों इसके अलावा इस दिन सोना चांदी, नया घर वाहन आदि चीजें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन जो भी चीजें खरीदी जाती हैं वे समृद्धि को कई गुना या 13 गुना बढ़ा देती हैं। दोस्तों धनतेरस के दिन सोना, चांदी, तांबा, पीतल के बर्तन खरीदने से घर में धन धान्य बढ़ता जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।